हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चरक संहिता में महिलाओं और पुरुषों की हर बीमारी का इलाज मिल गया है, माजू फल। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रकृति के पिटारे में इतनी औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल इंसान नहीं जानता। सामान्य सी दिखने वाली और हर जगह मिलने वाली औषधि आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियों को चुटकी में खत्म कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही औषधि के बारे में बताऊंगी जो बवासीर, बगंदर, मलद्वार, अंडकोश में पानी जैसी बीमारियों को 7 दिन में ठीक करने की क्षमता और ताकत रखती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक अजीब सी बीमारी है मलद्वार का बाहर निकलना। ये कई कारणों से होता है। कब्ज हो तो मल त्यागते समय व्यक्ति जोर लगाता है। लगातार पेट साफ करने वाली दवाएं खाने से भी मलद्वार बाहर निकल जाता है। बवासीर और भगंदर में भी ऐसा हो सकता है। खैर, किसी भी कारण से मलद्वार बाहर निकलता हो तो आप माजू फल की शरण में जाइए। एक ग्लास पानी में एक माजू फल पीस कर डालिए, फिर इसे पकाइए। 10 मिनट उबलने के बाद उतार कर ठंडा कीजिए और इसी पानी से मलद्वार की धुलाई कीजिए। बवासीर के मस्सों का दर्द, भगंदर का दर्द और मलद्वार का बाहर निकलना, तीनों में आराम मिलेगा। ये क्रिया 5 से 6 दिनों तक लगातार कीजिए। मलद्वार से ही संबंधित एक बीमारी है गुदा भ्रंश। ये बच्चों में ज्यादा होती है। इसके लिए आप आधा चम्मच फिटकरी लीजिए, उसको भूनकर चूर्ण बनाएं, फिर 2 माजू फल पीसकर चूर्ण बनाएं। अब दोनों के चूर्ण को 100 ग्राम पानी में मिलाएं, दवा तैयार है। अब इस दवा में रुई का मोटा टुकड़ा भिगाएं और गुदा पर बांध लीजिए। इस क्रिया को आपको 10 से 15 दिन करनी पड़ सकती है। जितना पुराना रोग होगा उतना ही अधिक समय लेना पड़ेगा, किंतु ये ठीक अवश्य ही हो जाता है। यदि किसी के अंडकोश में पानी भर गया है या फिर चोट आदि लगने से सूजन आ गई है तो फिर माजू फल आपका सच्चा साथी साबित होगा। पानी भरने की दशा में 10 ग्राम माजू फल और 8 ग्राम फिटकरी पानी में महीन पीसकर पेस्ट बना लीजिए, फिर अंडकोश पर लेप करने के 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सादे पानी से धो लीजिए। कम से कम 21 दिन ये काम करने से पानी सूख जाएगा। अगर सूजन हो गई है तो 10-10 ग्राम माजू फल और अश्वगंधा लीजिए, पानी में पीसकर पेस्ट बनाइए, फिर थोड़ा गर्म कीजिए और सुहाता सा लेप करके, यानी जितना आप सहम सके लेप करके कपड़े बांध लीजिए। 3 से 4 दिन में सूजन उतर जाएगी। अगर फिर भी सूजन नहीं उतर रही है तो आप किसी वैद्य या डॉक्टर से जरूर दिखाएं। ल्यूकोरिया में भी काफी फायदेमंद होती है। माजू फल ल्यूकोरिया की भी दवा है। 1-1 ग्राम चूर्ण सुबह शाम पानी से खाया जाता है 21 दिन तक, तो ये समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।